अबे एलेक्स भागो, एलेक्स भागो, हमारे पीछे काफी सारे डाकू पड़े हुए हैं, फटाफट भागो एलेक्स, वरना ये लोग हमें पकड़ लेंगे और जेल के अंदर बंद कर देंगे। भागो भाई इससे पहले कि हमें पकड़ लें। गाइस यार हमारे पीछे पड़ चुके हैं डाकू लोग, वो भी एक नहीं दो दो यार। ओके देखते हैं वो आ रहे हैं फिर नहीं आ रहे हैं आई थिंक। और वो सामने खड़े हुए हैं यार, वो तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, और शायद वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ रहे हैं, और वो शायद उन्हें पता नहीं कि हम। ओ भाई मोमो गाइड, ओ माय गॉड गाइस, वाटर मोमो का खड़ी हुई पीछे हमारे। गाइस हमको भागना पड़ेगा, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम लोग नहीं भागे ना फिर तो ये दोनों मिलकर हमको मार डालेंगे। गाइस यार देखो मेरे पास में आ रहे हैं डाकू लोग और ये मोमो गर्ल भी। ओ माय गॉड हमको भागना ही पड़ेगा इस पोर्टल के अंदर। शिट गाइस भाग एलेक्स, टाइम नहीं बिल्कुल भी। ओके गाइस चलो चलते हैं इसके अंदर, लेट्स गो। सो गाइस वेट, ये मैं कहां पे आ गया? ओ माय गॉड गाइस ये क्या है यार, लगता है ये कोई सीक्रेट टनल है यार। वाओ ये कौन से मॉन्स्टर है? ओके फर्स्ट वाला हीरो ब्राइन है, सेकंड वाला मोमो गर्ल है, थर्ड वाला ये ग्रीन मॉन्स्टर है। और हमको हमको आज करना क्या है गाइस? लगता है हमको इनके अंदर जाने का है, और मैं तो भाई सबके अंदर जाऊंगा यार, मेरे को बहुत ही मजा आता है ऐसी वीडियो के अंदर। और गाइस आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करो, आपको बहुत मजा आने वाला वीडियो को अंदर। सो गाइस लाइक किया वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। सो भी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हीरो ब्राइन के अंदर। सो गाइस चलो चलते हैं हीरो ब्राइन के अंदर। एंड ओके गाइस चलो 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 आ चुके हैं हम लोग गाइस हीरो ब्राइन के अंदर। और लेट्स सी गाइस, ये देखो व्हाट इज दिस यार, ये क्या मेंशन इतना बड़ा है, और यहां पे चारों तरफ लावा ही लावा। सो गाइस ये प्लेस काफी अच्छी मेरे को लग रही है, लेकिन गाइस रुको, और यहाँ पे एक क्लॉक भी लगा हुआ है, और आई थिंक ये काफी डरावनी जगह मेरे को लग रही है, क्योंकि गाइस ये जो जगह है ना वो एकदम ब्लैक ब्लैक सी है, तो काफी हॉरर टाइप लग रही है। सुबह से यहाँ भी हम लोग आ तो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन लगता है हमको हीरो ब्रांड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो गाइस इस बात को चेक करने के लिए कि यहाँ पे हीरो ब्रांड है या फिर नहीं, तो हमें यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे टूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे हीरो ब्रांड रियल लाइफ में है या फिर नहीं। सो लेट्स ट्राई एंड लेट्स चेक नाउ। एंड गाइस यहाँ पे फिलहाल हमें काफ़ी खतरनाक खतरनाक यहाँ पे इतने बड़े बड़े टेंपल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रहने वाला इंसान नहीं है गाइस। एंड यहाँ पे काफ़ी जगह तो काफ़ी आग भी लगी पड़ी है, बट यार यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है। सो लगता है ये कोई खंडर वंडर पड़ा हुआ है सालों से, हज़ारों सालों से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गेट आउट। बट ओ लगता है यहाँ पे कोई है जो कि हमें यहाँ से बाहर भगाना चाह रहा है, लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं। ओ माय गॉड ये रहा हीरो ब्रांड गाइस, गाइस इट इज ट्रू गाइस, भागो यहाँ से। ओ माय गॉड हीरो ब्रांड सॉ मी गाइस, भागो यहाँ से। ओ माय गॉड गाइस शिट गाइस लिटरली सॉ मी गाइस, भागो। ओ माय गॉड ट्रेन है, ट्रेन से भागते हैं हम लोग फटाफट से। ओबे दो दो हीरो ब्रांड है, शिट गाइस भागो यार, नो 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 गाइस सर। ओके फाइनली हम लोग सेव हैं, ओके हम लोग सेफ, आई थिंक हम लोग ज्यादातर सेफ है गाइस। सो हमको भागना पड़ेगा। ओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग भाई? ओके गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सेफली, बट वेट गाइस यहाँ पे कोई तो है आई थिंक। ये कौन है? आई थिंक पोर्टल, वॉट यहाँ इस तरफ पोर्टल है। ओके गाइस हमको जाना है पोर्टल के पास, लेकिन पहले हमको इनसे फाइट करनी पड़ेगी। ओके मारो ना, मारो 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 मारो, ये सिक्योरिटी गार्ड है। ओके मैंने मार दिया इसको मार दिया, फटाफट फटाफट मार दिया, मार दे एलेस। ओए मर जा भाई, मर जा, अरे मर जा भाई, मर जा, कम मरेगा। ओके फाइनली इसको मार दिया है। सो अब हमें डायरेक्टली जाना पड़ेगा इस पोर्टल के थ्रू अपने घर पे, जहाँ से हम लोग आए थे ना वहीं पे जाना पड़ेगा। लेकिन रो यहाँ पे और लोग हैं, भागो, मारो 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 इन्हें मारो। अरे भाई कितने खतरनाक है ये लोग यार, मारो इन्हें शिट गाइस। ओके मार दिया फाइनली, और अब हमें ढूंढना पड़ेगा वही पोर्टल जहाँ से हम लोग जाएंगे अपने घर पे, लेकिन वो कहाँ पर है यार? और उस तक पहुँचने के लिए हमको और कितने लोगों को मारना पड़ेगा, लेकिन लगता है वो आखिर हमारे पास में आ ही चुका है। और यहाँ पर एक बंदा और है भाई, ब्लैक आयरन गोलम, नहीं इसको कुछ और बोलते हैं, मैग्मा आयरन गोलम आई थिंक, लेकिन इसे मारना पड़ेगा। मारो 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 मारो। ओके गाइस फाइनली हमने इसको भी मार दिया है, और अब जाने वाले हम लोग घर पे, लेकिन उसके लिए चाहिए पोर्टल। और पोर्टल आई कांट सी पोर्टल हियर, इधर है पोर्टल भाई, लेकिन पोर्टल के आने से पहले काफी लोग आ चुके हैं, पहले इनसे फाइट करते हैं। अबे निकलो सालो, कितने दिमाग खराब करोगे, निकलो भाई निकलो यहाँ से, भाग जाओ। अरे भागो बेवकूफ नूबड़ो, भागो यहाँ से भाई, भागो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो भाई, मैं तुम्हारा पापा हूँ पापा। ओके गाइस चलो चलो, ओ वाओ यार फाइनली यस मैंने देख लिया पोर्टल भाई, चलो चलते हैं इसके अंदर काफी सालों के बाद। सो गाइस आपका भाई रिच माइनर एक बार फिर से आ चुका है अपने प्यारे से घर के, यानी कि ये मेरा घर ही है, आप लोग मेरे घर इसको मान सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल है उसको कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग देख सकते हो कि वो गायब हो चुकी है। एंड सेकंड लेवल की बारी है,
एंड इसका नाम है गाइस मोमो गर्ल। तो हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे मैं इसके अंदर काफ़ी हजारों लाखों बार गया हूं, लेकिन इस बार मैं जाने वाला हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि शायद इस बार कुछ नया होगा मेरे लिए। तो चेक करना पड़ेगा कि आखिर इस बार क्या नया है और मोमो गर्ल ने मेरे लिए क्या जाल बिछा के रखा है, क्योंकि वो जब जाल बिछाती है ना तो भाई उसके जाल से कोई बच नहीं पाता है। सो मैंने कहा ट्राई करते हैं भाई कैसा जाल बिछाएगी हमारे लिए। सो गाइस लेट्स ट्राई इट गाइस, चलो चलते हैं, लेट्स गो गाइस। एलेक्स तो गई भाई, अब बारी है तुम्हारे भाई रिच माइनर की। जो चलो गाइस हम भी बेवकूफ नहीं है, हम भी गाइस बहुत बुरे ब्रेव हैं, चलो चलो फटाफट से। अबे काफी स्लो है भाई गाड़ी। ओके नाक में घुस गए थे हम। ओके ओके हम लोग यहाँ पे आ तो चुके हैं, लेकिन सामने हमको इतना बड़ा गाइस रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, शायद ही रेस्टोरेंट टाइप का है कुछ लग रहा है मेरे को। लेकिन उसके अलावा हमको यहाँ पे कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ यही एक बिल्डिंग है जो कि चारों तरफ से कवर्ड है गाइस, मतलब कोई ना कोई जेल की तरह टाइप है ये। और आई थिंक हमने इसका फाटक खोल दिया है, चलते हैं अंदर। वाओ यार क्या ही बड़ी बिल्डिंग है। सो हम लोग आ चुके हैं अंदर यहाँ पे, लेकिन अंदर उतना मौसम सही नहीं है। ओ माय गॉड भागो यहाँ से। अरे मोमो गर्ल बेटा पहले पिटलो हमसे, पहले गाइस रुको, हम भागेंगे नहीं इस बार, हम नहीं भागेंगे बिल्कुल भी इस बार, हम इसे मारेंगे। वाओ गाइस आई किल्ड हर। ओ माय गॉड गाइस मजा आ गया यार, चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर क्या। अरे वाह यार करोड़पति बन गया मैं, माला माल हो गया भाई, डायमंड ही डायमंड लगता है, पैसा ही पैसा हो गया, मजा आ गया। इस छोड़ो इसे अब देख। ओ माई गॉड गोल्ड ही गोल्ड। शिट यार ये क्या हो रहा है, कहीं भगवान मैं सपने में तो नहीं हूँ, आई थिंक मैं सपना देख रहा हूँ। ओ अबे नहीं सपना नहीं है, मैंने अपनी चोटी काट ली। ओए भाई यहाँ पे एमरल्ड्स भी हैं भाई। गाइस यार मैं कितना लकी हूँ, आज का मेरा लकी डे गाइस, प्लीज़ गाइस हैशटैग लकी लिखो कमेंट्स में फटाफट से। अरे भाई ये कौन है, अरे मोमो गर्ल तुम यहाँ पे कैसे आ गई, तो पिट हो गया मुझसे। गाइस देखो ये ग्रीन और ये कैसी मोमो गर्ल पे आ रही है। एलेक्स तो देखना भाई ये कौन है। अरे मेरे को डर लग रहा है भाई, मेरे को डर लग रहा है, भागो यहाँ से। शिट यार फंस गए हम लोग, फंस गए। अरे हमको कुछ भी नहीं चाहिए भाई, हमको भागना है यहाँ से बस, हमें कुछ भी नहीं चाहिए भाई। देखो हमने तुम्हारे हाथ जोड़ लिए। अभी मोमो गर्ल रहने दो भाई, मोमो गर्ल प्लीज़ यार रहने दो यार, हम भी इंसान है, भागो यार वरना ये जान से मार देंगे हमें, भागो। सो गाइस आपके प्यारे रिच माइनर ने एक और लेवल को यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे गाइस हम लोग फंस गए थे। सो अब क्या करें, मतलब इसको मारेंगे तो हम कम्प्लीटली, बट गाइस इसको आप लोग कुछ मान सकते हो, लेकिन हम लोगों ने दो लेवल फाइनली कंप्लीट कर लिया। और बारी है तीसरे इस ग्रीन वाले बंदे की। मेरे को यार इसका नाम नहीं पता, कितनी बुरी बात है ना। हाँ मेरे को इसका नाम लिटरली नहीं पता है, सच में नहीं पता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले चलते हैं इस बंदे के अंदर, ये बेवकूफ सा बंदा जो भी है, और फिर देखते हैं इसका कमाल धमाल जो भी होगा, इस ट्राई करते हैं क्या होता है इसके साथ। सो लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इस फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला काफ़ी खतरनाक था। सो गाइस लेट्स ट्राई दिस, व्हाट्स इनसाइड this green monster. So guys ready steady and go. अरे अरे वो बाहर निकल आया भाई, अरे भाई उसने एलेक्स को मार भी दिया और वो बाहर निकल आया। ओ मैं तो उसके अंदर जा भी नहीं पाया भाई, वो पहली बार निकल आया, लगता है हम लोग फंस चुके हैं गाइस। अरे भाई अरे छोड़ दे भाई ग्रीन मॉन्स्टर प्लीज। अरे भाई नो 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 नो। ओ वाओ एलेक्स तुमने इतना बढ़िया घर कैसे बना लिया, वो भी अकेले, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने इतना बढ़िया घर यहाँ पे रिक्रिएट कर लिया। वाओ ऊपर से कितना बढ़िया धुआं निकल रहा है। अरे अंदर कैसा है भाई, अरे वाह यार अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल है एलेक्स, तुम्हारी दाँत देनी पड़ेगी यार, तुम काफ़ी होशियार हो गई हो, अब से लगता तुम स्कूल जाने लगी हो ना। हाँ अरे पैसे भी दे रही हो, लगता है गाइस इसकी बहुत बड़ी लॉटरी लगी है इसलिए मुझे पैसे दे रही है, और इसने घर अपने। गाइस एक बात तो माननी पड़ेगी, ये एलेक्स अब काफ़ी अमीर हो चुकी है यार, और लगता है इसके हाथ रातों रात कोई भयंकर सी लॉटरी लगी है इसकी हेल्प से, ये अमीर हुई है। तो पहले तो मैं सो जा रहा हूँ सोने के लिए। और गाइस हम लोग अपने घर पे आराम से सो रहे होते हैं, और उसी टाइम गाइस रात के अंदर एक वेल के अंदर से जो विच है वो बाहर निकलती है, और वो हमारे घर की तरफ हल्के हल्के बढ़ रही होती है, और वो क्यों बढ़ रही होती है वो मेरे को नहीं पता। और वो फाइनली हमारे घर के अंदर आ चुकी है, जहाँ पे मैं और एलेक्स सो रहे हैं, और उसने कुछ जादू किया और उसने एलेक्स को हगी बगी में कन्वर्ट कर दिया, और जो उसका दोस्त था उसको पॉपी प्ले टाइम में, और वो विच वहाँ से भाग गई। और अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला, जैसे ही मैं सोकर उठा गया मैं बन चुका हूँ यहाँ पे एक पॉपी प्ले टाइम,
और मेरे को भाई काफी बुरा लग रहा है बनने के बाद भाई, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस। अब रुको मैं मार रहा हूँ हगी बगी को। ओए हगी बगी, ओए भाई काफी अलग लग रहा है मेरे को गाइस यार, काफी अभी काफी खतरनाक लग रहा हूँ यार मैं। गाइस बन चुका हूँ मैं पॉपी प्ले टाइम यार, बड़ा मजा आएगा। रुको रुको रुको, हाँ यार समझ आ गया। वैसे गाइस अब लोगों को ट्रोल करने में कितना मजा आएगा ना एज अ पॉपी प्ले टाइम। अरे वाह यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं, लेकिन आखिर मेरे दोस्त हैं कहाँ पे? अरे वाह, सामने से नूब आ रहा है। हा, नूब यहाँ पे देख नूब। अबे भाई देख तेरा पापा आ रहा हूँ मैं भाई, देख अबे भागा। अरे भाग रहा है वो, अरे भाई वो भाग रहा है, अबे गिर पड़ा। अरे भाई नूब बेटा आराम से चलने का, देखो मैं कितना सुंदर हूँ यार। यहाँ देखो बेटा नूब, बेटा नूब उठ जाओ, बेटा नूब उठ जाओ प्लीज। अरे अरे भाई वो मर गया, सॉरी यार मैं तो पावरफुल हूँ ना बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मर गया होगा, कोई बात नहीं। सो गाइस यार हमें हमारे पास हगी बगी भी है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं जो कि हमसे फाइट कर पाए और हमारी तरफ मुड़ के देख पाए। तो सामने एक पोर्टल है, आई थिंक हमको इसके अंदर जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हगी बगी ऑलरेडी जा चुका है। सो लेट्स गो। अरे वाह यार, हम लोग ये कहाँ पे आ चुके हैं? आई डोंट नो गाइस कहाँ पे आ चुके हैं, बट ये काफ़ी प्यारी जगह है। और अरे गाइस सामने देखो, एक स्कैरी खूनी टॉकिंग टॉम का चेहरा है, और आई थिंक ये चेहरा नहीं है, ये एक सीक्रेट टनल है जिसके अंदर हम लोग को जाना है। और नूब भी आ चुका है हमारे पास में, आने दो कोई बात नहीं गाइस, इसको भी साथ ले चलेंगे। लेकिन गाइस हम लोग वैसे, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया गाइस, हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है माइनक्राफ्ट के। सो हम आज गाइस इस खूनी वाली, इस ब्लड वाली, इस स्कैरी टॉकिंग टॉम से फाइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। बट गाइस डर तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, ऋतिक रोशन ने कहा था। और गाइस चलते हैं इसके अंदर, वैसे काफ़ी डर लग रहा है। अबे नूब भाई तू जा भी रहा है, अबे तेरे को डर नहीं लग रहा क्या? गाइस वो चला भी गया यार, मतलब हमारी किस्मत ख़राब है। सो गाइस और हगी बगी गया गाइस भागता हुआ, भाई मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा भाई। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो जाऊंगा नहीं गाइस, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ, मैं हूँ बहुत ही ब्रेव रिच माइनर। सो गाइस मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर लूंगा, बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। सो गाइस चलते हैं हम लोग भी आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए इसके अंदर, और हम लोग ट्रेन से नहीं, हम लोग जाने वाले हैं पैदल भागते भागते। सो ओके हम लोग आ चुके हैं देखो इस स्कैरी टॉकिंग टॉम के अंदर, और वैसे हम लोग आ तो चुके हैं, लेकिन ये जगह थोड़ी जानी पहचानी से लग रही है क्योंकि तो शायद मैं यहाँ पे दोबारा पहले कभी आ चुका हूँ। वेट, ये तो विच है। हाय विच, कैसी हो तुम? वैसे यहाँ पे कोई टॉकिंग टॉम रहती भी है? ओ माय गॉड ये रही, ओ माय गॉड ये रही। गाइस भागो, अरे भाग 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 भाई भाग। गाइस वैसे ये स्कैरी तो नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन आई थिंक ये स्कैरी बन जाएगी थोड़ी देर में। भाई भागो भागो भागो, बाहर निकलो ऐसे, भाई बाहर निकलो, अरे मरना है क्या तुम लोगों को? अरे भागो भाई। ओ शिट यार, मेरे को वैसे ही बहुत डर लग रहा है, मतलब मेरे को बिल्ली से बहुत डर लगता है भाई। भाई शिट यार, शिट यार, हम लोग क्या करें यहाँ पे? शिट यार वो हमारे पीछे आ रही है, ओ माय गॉड। ओ शिट, भागो 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 यार, लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे भागते तो नहीं रह पाएंगे भाई। अरे भाई लगता है वो हमारे पीछे नहीं आ रही है, आई थिंक अबे आ रही है यार, भागो सामने पोर्टल गाइस, और मुझे उसके अंदर जाना ही पड़ेगा वरना ये मेरे को पकड़ लेगी, फिर पता नहीं कहाँ बंद करेगी जेल के अंदर। सो गाइस अभी बहुत ही अच्छा मौका है ऐसे भागने का इस पोर्टल के थ्रू, और वो आ रही है पास में। ओ नहीं आ रही है वो, आई थिंक अबे हगी बगी क्या कर रहा है? हगी बगी यार तोड़ दे, वाह हगी बगी, अरे वाह यार हगी बगी ने उसको लावा के अंदर गिरा दिया यार, मजा आ गया हगी बगी, तेरा जवाब नहीं सैल्यूट है। शिट शिट भागो यहाँ से, वो स्कैरी बन चुकी है, भागो भाई, वो लावा के अंदर कुछ भी नहीं हुआ उसे, भागो। शिट ओके हम लोग आ चुके हैं गाइस फाइनली, भाई ये बहुत ही खतरनाक था गाइस, ये एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था। और मैं दोबारा, और वो यहाँ भी आ चुकी है गाइस, एक तो वो स्कैरी बन चुकी है, भाग यहाँ से भाई। गाइस मैं लेके भाग रहा हूँ हगी बगी को अपने हाथों में, क्योंकि वो बहुत हल्के हल्के भागता है, भागो यहाँ से। शिट यार बहुत ही गंदा फंस चुके हैं हम लोग, और ये रही हमारी लिफ्ट, लिफ्ट से हम लोग जा चुके हैं ऊपर, सबसे ऊपर, और ऊपर एक घर है, हम लोग यहीं पे स्टे करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। सो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं घर के ऊपर गाइस, और आई थिंक वो आ रही है फिर नहीं आ रही है, वो तो यहाँ भी आ रही है गाइस हल्के हल्के चलते हुए, और शायद वो ऊपर नहीं आ पाएगी। हाँ वो ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी यार, वो तो उड़ तो ना पाएगी, हम उड़ते तो सिर्फ हम लोग हैं यार, हम लोग काफ़ी पावरफुल हैं। लेकिन गाइस जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्कैरी, हॉरर, डरावना था, और इसको ट्राई करने के बाद मेरी गीली हो चुकी है। सो मैं आप लोग से क्या ही बोलूँ गाइस, मेरे को बहुत ही डर लग रहा था यहाँ पे। सो गाइस लेकिन मैंने तब भी यहाँ पे पूरी अपनी पूरी जान लगा दी गाइस उससे भागने में। एंड गाइस अभी हम लोग एक ट्रैप बना रहे हैं, अब जैसे ही वो टॉकिंग टॉम अगर ऊपर आ भी जाती है तब भी गाइस इस ट्रैप से वो बच नहीं पाएगी, हमने उसके लिए काफ़ी खतरनाक प्लान सोच के रखा है। तो वेट करो आप लोग, काफ़ी मज़ा आने वाला आपको वीडियो के अंदर।
और यहाँ पर गाइस हमने यहाँ पे स्लाइम भी लगा रखे हैं काफ़ी सारे, और इनसे ही आपको आगे पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तो वेट करो, आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहो। एंड अभी हम लोग घर में आ तो चुके हैं, लेकिन जो घर जो है गाइस ना वो उतना सेफफुल नहीं है हमारे लिए। ये चारों तरफ से खुला हुआ है एक तो गाइस, और ओ भाई सो भी गया तू, सोने का टाइम है क्या? चलो सोते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस यहाँ पर देखो हम लोग सो चुके हैं, और जैसे आप ये स्लाइम के अंदर से गाइस एक डॉक्टर अंकल निकल के आते हैं बाहर, और पता नहीं वो डॉक्टर अंकल क्या करने के लिए बाहर निकले होते हैं। और जैसे ही वो यहाँ बात देखते हैं उन्हें कुछ दिखता नहीं है, और फिर वो बड़े पागल से होने लगते हैं, और पागल से होने के बाद वो ऊपर की तरफ आते हैं हमारे पास, मतलब जहाँ पे वो लोग सो रहे होते हैं वो वहीं पे आते हैं हमको चेक करने के लिए। फिर दोबारा वो नीचे भाग जाते हैं, और फिर भागने के बाद वो घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं उनको वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो यहाँ वहाँ अपनी कमर मटकाने लगते हैं, फिर वो आते हैं सीधे एक ट्रैप के पास जो कि हमने बनाया होता है। और ट्रैप के पास आने के बाद वो यहाँ से थोड़ा दूर जाते हैं, और फिर वो जाते हैं वहाँ उस पहाड़ी से पूरा नीचे, और पता नहीं वो नीचे कहाँ पर जा रहे होते हैं मुझे नहीं पता। और फिर वो कूद के सीधे उस टॉकिंग टॉम के पास जा रहे होते हैं जो कि हमारा पीछा कर रही थी, और फिर वो उसके लिए एक रास्ता बनाते हैं उसके ऊपर आने का। फिर वो टॉकिंग टॉम जो होती है वो गाइस सीढ़ियों की हेल्प से ऊपर आ जाती है, और फिर जो डॉक्टर अंकल होते हैं वो टॉम को उस ट्रैप के ऊपर खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद फिर वो उस ट्रैप को शायद ऑन करने वाले होते हैं, और पता नहीं उस ट्रैप से क्या होने वाला होता है। और फिर वो टॉकिंग टॉम और ये डॉक्टर अंकल दोस्त बन गए होते हैं, और ये क्या उस ट्रैप को ऑन करने के बाद ही वो टॉम जो है वो स्कैरी मोमोगल में कन्वर्ट हो चुकी है, और अब पता नहीं क्या होने वाला है। और मैंने यहाँ पे होश मेरे को आ चुका है, मैं सो के उठ चुका हूँ, और अब शायद मेरी पॉटी गील। ओ माय गॉड वो तो नीचे खड़ी हुई यार। हगी बगी अब क्या करें बता मेरे को प्लीज़ यार, बता फटाफट बता गाइस। अब कुछ चांस नहीं यार, क्या हो गया, हम लोग फालतू में सोए ना, हम लोग सोते और ना ये गाइस नौटंकी होती। ओ वो तो ऊपर आ चुकी है गाइस, इस कैरी टॉकिंग टॉम से सीधे डायरेक्ट मोमो गर्ल, मतलब ये यार बहुत ही बड़ी लापरवाही है भाई। अरे अब क्या करें यार, हम लोग बन चुके हैं तो हमारे पास इंसान नहीं है यार, अभी हम लोग कॉपी पेटा है, हगी बगी हैं। सो हमको भागना पड़ेगा, कूदो यहाँ से फटाफट पानी के अंदर। ओके फाइनली हम लोग कूद चुके हैं नीचे, लेकिन गाइस अभी भी हम लोग फ्री नहीं हुए हैं, हमको फ्रीडम नहीं मिली अभी इस मोमो गर्ल से। सामने एक पोर्टल है गाइस, और आई थिंक हमको इसके अंदर जाना ही पड़ेगा अगर अपनी जान बचानी है तो। लेट्स गो फटाफट से भागो अबे। ओए प्लीज नो। ओके हम लोग फाइनली आ चुके हैं इस पोर्टल के अंदर, और यहाँ पे अंदर आने के बाद शायद हम लोग सेफ हैं। और फटाफट से इस पोर्टल को तोड़ दो ताकि वो बाहर ना आ पाए मोमोगल हमारे पास। सोम ने तोड़ तो दिया है पोर्टल को, और गाइस पोर्टल को तोड़ने के बाद एक बात तो प्रूफ हो चुकी है कि वो यहाँ पे नहीं आ पाएगी हमारे पास मोमोगल। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा है इसके ऊपर, पॉइजन शॉप। वाह यार पोशन शॉप, लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे पोशंस मिलते हैं जिससे कि हम लोग ठीक हो जाएंगे दोबारा से। तो मेरे को चाहिए प्लीज़ भाई, मेरे को प्लीज़ अपने भगवान प्लीज़ मुझे अपने रियल वाले रूप में ला दो प्लीज़, मुझे स्टीप बना दो प्लीज़। ओके मैंने इसको विलेजर को काफ़ी सारे पैसे दिए, अब शायद ये हमें ला के देगा पोशन। भाई विलेजर हमको एक ऐसा पोशन दे जिसकी हेल्प से हम लोग दोबारा से पहले ऐसे हो जाएं। वाह एरेस हो चुकी है भाई, मेरे को कर दे प्लीज़ विलेजर। वाह यार हम लोग बन चुके हैं दोबारा से एक ह्यूमन, यानी कि एक माइनक्राफ्ट के रियल प्लेयर का। इस काफी खुशी हो रही है मेरे को होने के बाद। सो गाइस प्लीज लाइक कर दो इस विलेजर के लिए, फटाफट से एक लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। हम लोग 2 लाख